सदर सांसद रवि किशन ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर कहा कि विपक्ष का गठबंधन कह रहा है कि यूपी में 80 सीट मुख्यमंत्री जीत रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम लोग हार रहे हैं। विपक्ष बयान दे रहा है कि हम जीत रहे हैं, यदि वह इस तरह का बयान नहीं देंगे तो उनके ऑफिस पर ताला लग जाएगा और उनके कार्यकर्ता भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में विकास, सच्चाई, सत्य, कानून व्यवस्था, रामराज, रोजगार व गरीबों का कल्याण भाजपा में हुआ है, इसलिए देश का युवा, एक एक बच्चा मोदी के साथ है क्योंकि मोदी एक सशक्त नेता हैं। जबकि विपक्ष में 28 से 20 लोग पीएम बनेंगे, देश सभी लूटने वालों को जानता है, इसलिए देश अब बेवकूफ नहीं बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, हमने तो सुना कि गठबंधन कर रहा 80 सीटें पूज्य महाराज जी जीत रहे हैं, तो देखिए उन लोगों को भी पता है कि लोग हार रहे हैं, लेकिन कभी उन लोगों को देखो विपक्ष में इतना बयान नहीं देंगे तो उनकी ऑफिसों पे ताला लग जाएगा, उनके कार्यकर्ता भाग जाएंगे। उनको पता है कि उन लोग हार रहे हैं क्योंकि विकास, सच्चाई, सत्य, कानून व्यवस्था, रामराज्य और सारे रोजगार, गरीबों का कल्याण इसी पार्टी में हुआ है, हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक एक बच्चा, एक एक युवा इस देश का मोदी जी ही चाह रहा है एक सशक्त नेता के रूप में। वहाँ पर 28 लोगों में करीबन 20 प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को बर्बाद करेंगे, और वो सारे लोग जिन्होंने देश को लूटा खसोटा है वो सबके भी चेहरे को जानता है, तो देश अब बेवकूफ़ नहीं।